आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिज़ाइनर पर्स का वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर देखिए बहुत सारे स्पेस है, अंदर की तरफ भी मैंने जिप वाला एक पॉकेट बनाकर तैयार किया है। 2 से 3 जोड़ी इसमें कपड़ा आराम से आ जाएगा। ऊपर की तरफ मैंने लेस से डिज़ाइन बनाया है, यह इसका बॉटम साइड है विथ जिपर है। देखिए इसको बनाना बहुत आसान है, कम टाइम में बनकर तैयार होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए। मैंने 15x13 इंच का एक देखिए इस तरीके से स्क्वायर पीस ले लिया है, 2 स्क्वायर पीस मैंने इस तरीके से ले लिया है। इसके नीचे लाइनिंग फॉर्म वगैरह आप लोगों के पास जो भी है आप लोग उसको लगा सकते हैं। और देखिए इस तरीके से मैंने स्ट्रिप बनाने के लिए पट्टी भी रेडी कर रखा है 3x27 इंचेस का। देखिए इस तरीके से 2 पट्टी कट कर रखा है इसके स्ट्रिप बनाने के लिए, हैंडल बनाने के लिए। और देखिए नीचे की बेस के लिए 4x12 इंच का इस तरीके से एक बेस के लिए कट कर रखा है। सबसे पहले हैंडल को देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और साइड से स्टिचिंग करेंगे, 2-2 पॉइंट अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और स्ट्रेट में स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके का पर्स बनाना बहुत आसान होता है, कम टाइम में बनकर तैयार होता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप लोग भी इस तरीके से प्लेन फैब्रिक लेकर उससे लेस का डिज़ाइन बनाएंगे उसके ऊपर में तो और भी अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्टिचिंग कर लिया है और दूसरी साइड में भी स्ट्रेट में इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। मैंने अंदर की तरफ में भी आप लोग अगर फॉर्म वगैरह लगाएंगे तो हैंडल आप लोगों का मजबूत बनेगा और ठीक बनेगा, मैंने भी इस तरीके से लगाया है। यहाँ पर देखिए मैंने लेस लिया है, बस एक पार्ट में मैं लेस का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो सिंपल देखिए जो भी आप लोगों के पास लेस है उसको लेकर ऐसे 1/2 इंच की दूरी में चून बैठा लेना है, छोटा छोटा चून बैठाना है जैसा मैं दिखा रही हूँ। देखिए सिंपल इस तरीके से चून बैठाते जाएंगे स्ट्रेट पार्ट में, 1/2 इंच की दूरी में 1/2 इंच का ही चून बैठाना है स्ट्रेट में। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे कर चून बैठाएंगे। अगर आप लोग न्यू सिलाई सीख रहे हैं, न्यू बैग बनाना सीख रहे हैं तो पहले वॉल पिन से सेट कर उसके बाद सिल सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं एक साथ में ही सिल रही हूँ, स्ट्रेट में इस तरीके से सिल लेंगे और यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से दिखेगा सिलने के बाद में। मैंने यहाँ पर चौड़ी लेस का यूज़ किया है, आप लोगों के पास अगर पतली लेस है तो आप लोग उससे भी बना सकते हैं। ऊपर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा सभी को कट कर देंगे। अब देखिए इसके बीच में इस तरीके से निशान लगा लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। उसके बाद देखिए यहाँ से 3 इंच राइट साइड से 3 इंच और लेफ्ट साइड से 3 इंच में निशान लगाएंगे। और ये जो हम लोगों ने हैंडल तैयार कर रखा है जहाँ पर हम लोगों ने 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ में देखिए इस तरीके से हैंडल को अटैच कर लेंगे सिंपल। दूसरी साइड में भी इसी तरीके से कर लेंगे, इससे हम लोगों का हैंडल पहले अटैच हो जाएगा उसके ऊपर फिर जिप लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जिप को उल्टा रखना है, इसी की नाप से हम लोगों को जिप ले लेना है, जिप को उल्टा रखना है और स्ट्रेट में सिल लेना है। तो इससे नीचे वाला पार्ट जिप और हैंडल एक साथ में तीनों अटैच हो जाएगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, सभी पार्ट बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखिए मैंने जितना भी एक्स्ट्रा जिप था उसको कट कर लिया। अब इसको इस तरीके से पलट कर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे तो जो हम लोगों ने चून बैठाया है उसको अच्छी तरीके से सेट करते हुए चून बैठाएंगे और हैंडल को ऊपर की तरफ कर लेंगे। हैंडल को ऊपर की तरफ ही कर हम लोगों को इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। देखिए इस तरीके से सेट करते हुए मैं यहाँ पर टॉप स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए टॉप स्टिच लगाकर तैयार कर लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसी डिज़ाइन को आप लोग पीछे की तरफ भी बना सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर पॉकेट बनाने के लिए एक पीस और लिया है, अंदर की तरफ मैं जिप वाला पॉकेट बना रही हूँ। तो इसकी देखिए चौड़ाई 6 इंच है और इसकी लंबाई 7 इंच है। तो इसका देखिए इसी के नाप से मैंने एक जिप ले लिया है, जिप को उल्टा रखना है और इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेना है। फिर इसको पलट कर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे और देखिए इसका हम लोगों को सेंटर पॉइंट निकालना है इस तरीके से, बीच में इसका निशान लगाना है। बीच में निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ देखिए इस तरीके से 4 इंच में निशान लगाएंगे और इसके बीच में यहाँ पर हम लोगों को पॉकेट बनाना है। तो देखिए पॉकेट किस तरीके से बनाएंगे, अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे जहाँ पर हम लोगों का जिप एंड हो रहा है वहाँ से देखिए जिप को भी फोल्ड करेंगे और स्ट्रेट में सिल लेंगे। कॉर्नर 2 पॉइंट अंदर की तरफ फोल्ड करना है और नीचे की तरफ में भी देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कॉर्नर में रोककर नीचे वाले कॉर्नर में सिल लेंगे। फिर यहाँ पर कॉर्नर में देखिए इस तरीके से फोल्ड कर रोकेंगे। फिर इस वाले साइड में भी ऊपर की तरफ में भी जिप को फोल्ड करना है 2 पॉइंट अंदर की तरफ और अच्छे तरीके से टाका लगाते हुए फिर देखिए जिप के ऊपर की तरफ में भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड कर ऊपर की तरफ जिप का सिलाई लगा लेंगे तो ये हम लोगों का एक पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगा।
इसमें आप लोग पैसा कार्ड वगैरह रख सकते हैं अंदर वाले पॉकेट में। देखिए इस तरीके से ये पॉकेट बना है। अब देखिए इसका फिर से सेंटर निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद फिर यहाँ से भी 3 इंच में निशान लगाएंगे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 3 इंच में निशान लगाएंगे। और जो दूसरा हैंडल हम लोगों ने तैयार कर कर रखा है उसको देखिए इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरीके से स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने हैंडल को अटैच कर लिया है। अब ये पार्ट को लेंगे और जिप को उल्टा लेंगे। जिप को उल्टा रखेंगे, नीचे वाले पार्ट को सीधा और स्ट्रेट में जिप को अटैच कर लेंगे तो दूसरा वाला पीस भी इसमें जॉइंट हो जाएगा। स्ट्रेट में इसको सिल लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेट में सिल लिया है। अब इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और इस वाले साइड में भी टॉप स्टिच लगाएंगे। सिंपल टॉप स्टिच लगाना है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो हम लोगों ने हैंडल बनाया है वो ऊपर की तरफ आए। देखिए स्ट्रेट में इसको भी सिल लिया है मैंने। स्ट्रेट में सिलने के बाद में देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। अब इसको पलट कर देखिए जिप को बराबर करेंगे और ये जो लेस है लेस को भी अंदर की तरफ, जितना भी इसका चून है उसको अंदर की तरफ कर देंगे। देखिए इस तरीके से, और तीनों फैब्रिक को, लेस को, नीचे वाले फैब्रिक, ऊपर वाले फैब्रिक को बराबर करते हुए स्ट्रेट में सिल लिया है। एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरीके से स्टिचिंग करेंगे। बस ध्यान ये रखिएगा कि आप लोग जब जिप को सिल रहे हैं तो जिप में अच्छी तरीके से टाँका लगाते हुए सिलिएगा ताकि बैग बाद में आप लोगों का खुले ना, स्टिचिंग खुले ना। और स्ट्रेट में इस तरीके से देखिए इस वाले साइड में भी स्टिचिंग कर लिया है। अब नीचे का सिर्फ बेस बचा है बनाना और ये बैग बनकर तैयार हो जाएगा। तो नीचे के सब बेस बनाने से पहले इसमें पाइपिंग कर लेंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने देखिए 1.5 इंच पट्टी कट कर कर रखा है, 1.5 इंच चौड़ी अंदर की तरफ, 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड किया, स्ट्रेट में सिल लिया। यहाँ से एक्स्ट्रा को कट कर कर इसको देखिए इस तरीके से पलट कर डबल फोल्ड कर कर सिल लेंगे तो ये पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगा। इससे बैग का फिनिशिंग अच्छा आता है, कोई भी रफ आप लोगों का नहीं निकलेगा अगर आप लोग इस तरीके से पाइपिंग बना लेंगे तो। दूसरी साइड में भी इसी तरीके से ही पाइपिंग बना लेती हूँ मैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी साइड में भी पाइपिंग बना लिया है। अब ये जो हम लोगों का बेस था, बेस के हाफ में देखिए इस तरीके से निशान लगाएंगे, सेंटर पॉइंट निकालना है इसका। और यहाँ पर देखिए ये जो साइड का हम लोगों का जॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से जॉइंट को मिलाना है और स्ट्रेट में देखिए इस तरीके से सिलेंगे। इससे हम लोगों का बेस बनेगा। यहाँ पर रोक कर इसको घुमा देंगे, देखिए इस तरीके से घुमा कर फिर साइड में स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से घुमाते हुए स्टिचिंग करना है। यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। फिर दूसरी साइड में भी देखिए इस तरीके से स्ट्रेट में सिल लेंगे और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ सिलेंगे। इस तरीके से सिलने से आप लोगों का अगर कोई कपड़ा छोटा होता है या फिर बड़ा होता है तो फिर आप लोग बड़ा होगा तो कटिंग कर सकते हैं और अगर छोटा होता है तो फिर ज्वाइन लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने देखिए दूसरी साइड में भी स्टिचिंग कर लिया है स्ट्रेट पार्ट में और फिर ऊपर के जो बेस है उसको भी स्ट्रेट में स्टिचिंग कर लेंगे। तो फिर एक साइड का हम लोगों का बॉटम तैयार हो जाएगा, नीचे वाला बॉटम बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए स्ट्रेट में मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर लिया है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और नीचे की तरफ में भी पाइपिंग बना लेंगे तो ताकि फिनिशिंग इसका अच्छा से आ जाए। एक्स्ट्रा जितना भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से पाइपिंग बनाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बनाकर तैयार कर लिया है, ये बिल्कुल फिनिश है अंदर की तरफ से भी। और इसको देखिए इस तरीके से सीधा कर कर मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। कॉर्नर को अच्छी तरीके से निकालना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है और ये फाइनल लुक इस तरीके से इसका है। कॉर्नर वगैरह सब निकाल लिया है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अंदर की तरफ एक पॉकेट है, ऊपर की तरफ देखिए इसका डिज़ाइनर पर्स बना है, नीचे की तरफ बेस भी बहुत अच्छा बना है। तो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।